दोस्तों आज भी जब दुनिया में अनमैन्ड एयर व्हीकल यूएवी की बात की जाती है तो सबसे ताकतवर ड्रोन के रूप में अमेरिका के MQ-9 और तुर्की के TV-2 ड्रोन को सामने रखा जाता है। वहीं कुछ सालों तक माना जा रहा था कि भारत में फाइटर जेट के निर्माण की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी ड्रोन के निर्माण में भारत को महारत हासिल करने के लिए कई दशक लगने वाले हैं। इसको लेकर भारत का मजाक भी बनाया जाता था और भारत की ओर से जब भी दुनिया के ताकतवर देशों से ड्रोन टेक्नोलॉजी साझा करने की बात कही जाती थी तो कोई भी देश अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत से साझा करने पर सहमत नहीं होता था। लेकिन अब भारत के एक स्वदेशी कंपनी ने ऐसे ड्रोन के निर्माण की खबर दी है जो कि लगातार 72 घंटे तक आसमान में तैनात रह सकता है। दरअसल आपको बता दें, ये जो ड्रोन है इसका निर्माण भारत की L&T कंपनी कर रही है। वहीं इस कंपनी की ओर से इसकी काबिलियत को लेकर जो खुलासे किए गए हैं, अगर ये निर्माण के बाद अपनी काबिलियत पर खरा उतरता है तो भारत दुनिया में ड्रोनों के निर्माण का इतिहास बदल सकता है। अभी तक अमेरिका के जिस MQ-9 ड्रोन को सबसे ताकतवर समझा जाता है, यह एक बार उड़ान भरने पर केवल 40 घंटे तक ही आसमान में रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की का TV-2 ड्रोन 27 घंटे तक लगातार हवा में उड़ने की काबिलियत रखता है, पर अब भारत की L&T के द्वारा बनाया जा रहा ड्रोन 72 घंटों तक यानी कि 3 दिनों तक बिना रुके आसमान में तैनात रह सकता है। ये ड्रोन सैटेलाइटों के जरिए कनेक्ट होगा। वहीं पर दुश्मन की खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए इसमें कई हाई विजिबिलिटी वाले डे नाइट के कैमरे लगे होंगे। दुश्मन की सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए इसमें हाई ट्रैकिंग अपर्चर रडार का उपयोग भी किया जाने वाला है। दोस्तों इस ड्रोन में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी और साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए जब भी इस ड्रोन के आगे दुश्मन की ओर से कोई भी गतिविधियां की जाएगी तो ये ड्रोन कंट्रोल रूम से खुद ही निर्देशित करेगा और संकेत देगा कि ये सटीक समय है दुश्मन के किसी भी टारगेट को मार गिराने का। वहीं पर L&T की बात करें तो DRDO के बाद L&T भी काफी तेजी से भारतीय सेना के लिए हथियारों का निर्माण कर रही है। 2022 के डिफेंस एक्सपो में L&T के द्वारा एक रोटरी विंग वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग मानव रहित हवाई जहाज को प्रदर्शित किया गया था, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर और इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी 4 घंटे की थी। वहीं इसके अलावा इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया एक विटोल यूवी के डेवलपमेंट में काम किया जा रहा है। इसकी रेंज 140 किलोमीटर और ये 6 घंटे तक हवा में तैनात रह सकता है, जिसे 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। वहीं जब से भारत ने अपनी सेना को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हथियारों की ओर शिफ्ट करने की कोशिश की है, तभी से L&T कंपनी ने ड्रोन के निर्माण पर अच्छा खासा काम किया है। दोस्तों L&T के मुताबिक 2025 तक 3 ड्रोन बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं L&T के द्वारा 2 ड्रोनों की मारक क्षमता और फ्लाइंग कैपेसिटी के बारे में बताया गया है, जिसमें पहले 100 किलोग्राम के पेलोड को लेकर 4 घंटे तक हवा में तैनात रह सकता है। वहीं दूसरा 140 किलोग्राम के पेलोड को लेकर 11 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। इसके अलावा L&T का जो सबसे महत्वपूर्ण ड्रोन है वह 3 घंटों तक लगातार हवा में तैनात रहेगा। लेकिन इस ड्रोन के बारे में अभी ज्यादा जानकारी L&T की ओर से साझा नहीं की गई है, लेकिन L&T की ओर से दावा किया जा रहा है कि आने वाला ये भारत का ड्रोन दुनिया के तमाम ड्रोनों को पीछे छोड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से LAC सरहद पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं इसी बीच चीन का एक और दुश्मन देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे साथ की मांग कर रहा है और ये देश जापान है। दरअसल जापान भी चीन की लगातार घुसपैठ के चलते टेंशन में रहता है, तो अब जापान चाहता है कि भारत के साथ मिलकर एक ऐसे समुद्री ड्रोन का निर्माण किया जाए जो समुद्र के जरिए चीन की घुसपैठ को मुंहतोड़ जवाब दे। दरअसल जापान की ओर से कहा गया है कि इस ड्रोन का उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर की निगरानी के लिए किया जाएगा। उधर जापान धीरे धीरे भारत के साथ अपने सैन्य सहयोग का विस्तार दे रहा है। इसी कड़ी में अगले महीने 2023 में पहली बार भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज भी करने जा रहा है, जिसे वीर गार्जियन नाम दिया गया है। यह हवाई युद्ध अभ्यास जापान के इरुमा एयरबेस पर 16 जनवरी से 26 जनवरी तक होनी है। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ तकरीबन 150 फाइटर विमान हिस्सा लेंगे। उधर जापान की नौसेना हर साल भारत की नौसेना के साथ मिलकर भी सैन्य अभ्यास करती है और यह अभ्यास 2012 से ही शुरू हुआ था जो अभी तक निरंतर चल रहा है। आपको बता दें इसी साल 11 से 17 सितंबर तक भी दोनों देशों की नौसेना ने मिलकर बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया था। दरअसल जापान की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत को साथ रखकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की L&T कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।